हमारी पूरी मानव सभ्यता ह्यूमन इंटेलिजेंस HI की देन है, और HI से ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट किया। अब AI की हेल्प से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, भले ही वो साइंटिफिक हो, सोशल, मेडिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री या स्पेस एक्सप्लोरेशन। हर फील्ड में AI कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। आज हम पेशेंट का ऑपरेशन कुछ ऐसे करते हैं, फ्यूचर में ये भी हो सकता है। आज बच्चों को कुछ ऐसे पढ़ाया जाता है, फ्यूचर में ये भी हो सकता है। आज कंट्रीज अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी कुछ ऐसे करती हैं, फ्यूचर में ये भी हो सकता है। लेकिन क्या AI की हेल्प से हम इन सवालों के जवाब खोज पाएंगे? जैसे इंसानों के अंदर चेतना, कॉन्शियसनेस कहां से आई? जो भी फैसले हम लेते हैं, क्या वो सच में हमारे हैं या पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं? यूनिवर्स की शुरुआत कहां से हुई? द बिग बैंग, इज देयर अ मल्टीवर्स? क्या हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं? फर्मी पैराडॉक्स का क्या? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक हम नहीं खोज पाए। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि AI ऐसे कितने सवालों के जवाब बता पाएगा। लेकिन आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूल बातों को एक आसान तरीके से समझेंगे। हम ये जानेंगे कि AI काम कैसे करता है, ये कौन से अद्भुत काम कर सकता है, और इसके हमारे भविष्य पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए करते हैं शुरू। जब बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। AI is going to impact many many fields. Sudden AI is everywhere. People who weren't quite sure what it was. Think about it. AI for a long time since I was in college. AI because it's such an exciting thing. And the last 12 months, it's almost as if no one can talk about anything else but AI. Whether it's and about sort of the prospect of what AI could be. Artificial intelligence. It is close to science fiction. It is staggering. The age of AI. Artificial intelligence. Please define. AI is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers. Yeah, okay, there you have it. What does it mean? I don't know. तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। साल था 1950 जब एलन टर्निंग ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया, जिसका नाम था कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। इस पेपर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टर्निंग टेस्ट। ये केवल एक थ्योरेटिकल टेस्ट था टू डिस्कस दैट कि क्या मशीन ह्यूमंस की तरह सोच सकती है, एंड पहली बार लोगों ने इस टॉपिक पे सोचना शुरू किया था। उसके बाद आया साल 1956, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस पहली गैदरिंग हुई AI को लेकर इन दिस ईयर, और इसी गैदरिंग में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का और इसी कॉन्फ्रेंस में AI को लेकर रिसर्च शुरू हुई। एंड एग्जैक्टली 3 साल बाद जॉन मैकार्थी एंड मार्विन मैकिन्सी ने MIT में AI लेबोरेटरी की स्थापना की। बाद में जोसेफ वेनेसवर ने 1965 में पहला AI प्रोग्राम एलिजा बनाया, जो दुनिया का पहला चैटबॉट था। उसके बाद 1972 में पहला एक्सपर्ट सिस्टम डिजाइन किया गया, माइसिन, जो डॉक्टर को हेल्प कर सकता था इन्फेक्शन को डायग्नोज करने में, और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसकी जानकारी भी माइसिन दे सकता था। उसके बाद IBM ने सुपर कंप्यूटर बनाया डीप ब्लू, जिसने चेस में वर्ल्ड चैंपियन गैरी कापोसोव को हरा डाला। 2011 में IBM ने एक और सुपर कंप्यूटर बनाया वॉटसन, जिसने अमेरिकन गेम शो जियोपार्डी को जीता, और ऐसा पहली बार हो रहा था जब AI ने अपना पोटेंशियल पूरी दुनिया को दिखाया। एंड दिस मार्क द सिग्निफिकेंट लीप इन AI नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज। 2012 में इमेज को रिकॉग्नाइज करने का कंपटीशन रखा गया, एंड AI ने यह चैलेंज कंप्लीट किया। इस कंपटीशन से इंसानों को डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क की ताकत का एहसास हुआ। एंड एग्जैक्टली 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया ZOC, जो कि एक सोशल चैटबॉट था दैट कुड कैरी आउट ऑन कॉन्वर्सेशंस, और ZOC ने फ्यूचर में एडवांस AI सिस्टम की नींव रखी। उसके बाद आया साल 2015, इसमें गूगल का AlphaGo लॉन्च हुआ, जिसने गो चैंपियन ली सेडोल को डिफीट कर दिया, और ऐसा भी पहली बार हो रहा था जब किसी कॉम्प्लेक्स गेम में AI ने किसी इंसान को हराया हो। उसके बाद आए इलॉन मस्क, जिन्होंने सैम अल्टमैन के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई OpenAI, जिसका मकसद था AGI को डेवलप करना। AGI बोले तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। OpenAI ने ही एक प्रोडक्ट बनाया ChatGPT, जो बहुत फेमस हो गया। GPT के अलग अलग वर्जन आए, GPT 1, GPT 2, 3, 3.5, एंड आज की डेट में GPT 4 लाइव है।
इन रिस्पॉन्स टू चैट जीपीटी गूगल ने लॉन्च किया गूगल बार्ड, जिसका बाद में नाम जिमिनाई रख दिया गया। और आज की डेट में जिमिनाई लाइव है, इसे कोई भी यूज कर सकता है। इसके अलावा काफी एआई प्रोडक्ट मार्केट में है, जिसकी बात मैं आगे करूंगा। मैं बार बार AI बोल रहा हूं, बट एक्चुअल में ये AI है क्या? एंड जब AI की बात चलती है तो कुछ टर्म्स और साथ में आती है, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एटसेट्रा। ये सब टर्म्स होती क्या है? तो चलिए इन सभी टर्म्स को समझते हैं आसान भाषा में। देखो, चार इंपॉर्टेंट टर्म्स है, AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड GPT। चारों को वन बाय वन समझते हैं। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप चेस खेल रहे हो, अब आपको मूव चलनी है। अब मूव चलने से पहले आप काफ़ी सोचोगे कि रानी चलूं, कि वजीर चलूं, कि हाथी चलूं, कि प्यादा चलूं, क्या चलूं। और अगर आप कुछ गलती करते हो तो उस गलती से भी सीखते हो, एंड नेक्स्ट टाइम आप एक बेहतरीन मूव चलते हो ताकि आप जीत पाओ। कुछ यही है AI। AI सोच नहीं सकता एज ह्यूमन बीइंग, लेकिन ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिथम की हेल्प से डिसीजन ले सकता है। जैसे आपने गेम्स के रूल इसमें फीड कर दिए यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड विद दिस इनपुट डेटा ये डिसीजन ले सकता है कि गेम कैसे खेलना है, एंड इवन गेट बेटर विद टाइम। ओवरऑल ये स्पेशल प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। आसान भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि दे आर टूल्स जिनकी हेल्प से कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव लर्न्ड, एंड साथ साथ वो अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद एक और टर्म आती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब होता है कंप्यूटर को नए स्किल्स सिखाना बाय शोइंग देम लॉट्स ऑफ डेटा। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक छोटा बच्चा है, आप उसको एनिमल्स रिकग्नाइज करना सिखा रहे हो, तो आप कैसे सिखाओगे? आप उसको अलग अलग फोटो दिखाओगे, देखो ये कैट है, ये डॉग है, ये एलिफेंट है, ये जिराफ है, एटसेट्रा, ऐसे करके आप चीज़ें दिखाओगे। एंड जब बार बार आप उसको फोटो दिखाओगे तो उसके दिमाग में डेटा फीड हो जाएगा और वो एनिमल्स को रिकग्नाइज शुरू कर देगा। उसी तरीके से हम कंप्यूटर को नई नई चीज़ें सिखाते हैं बाय शोइंग देम लॉट्स ऑफ डेटा एंड यूजिंग सम एल्गोरिथम्स। जितने ज़्यादा आप डेटा कंप्यूटर को शो करोगे उतना ज़्यादा स्किल वो सीखेगा, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब आगे एक और टर्म आती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग AI का ही एक पार्ट है, जिसको स्पेशली ट्रेन किया गया है पैटर्न को रिकग्नाइज करने के लिए। अब ये काम कैसे करता है? डीप लर्निंग यूजेस समथिंग कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स। बट ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, तो समझते हैं इसको एग्जांपल से। अपने ब्रेन को आप एक जंगल जिम की तरह इमेजिन करो विद लॉट्स ऑफ कनेक्टेड पाथवेज। अब इंफॉर्मेशन इन्हीं पाथवे से ट्रैवल करती है, एंड इन द प्रोसेस आप चीजें सीखते हो। न्यूरल नेटवर्क AI का वही जंगल जिम है जिसमें बहुत से कनेक्टेड लेयर्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, बट इट इज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ कोड। अगर मैं लेमन टर्म में कहूँ तो न्यूरल नेटवर्क को AI का ब्रेन समझ लो। जिस तरीके से हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, उसी तरीके से AI इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है GPT, दैट मीन्स जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ AI। GPT एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है विच इज ट्रेन्ड ऑन मैसिव टेक्स्ट डेटा। GPT के थ्रू आप स्टोरीज लिख सकते हो, कॉन्टेंट राइटिंग एटसेट्रा, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा। बट उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? एक्चुअली हमें कुछ भी इनपुट देने के लिए आपको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। आप प्रॉम्प्ट जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यू हैव टाइप समथिंग, कुछ लिखोगे आप, उसके आउटपुट में आपको कुछ मिलेगा। तो जब आप ये लिख रहे हो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो ये प्रॉम्प्ट आपको अच्छे से आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि AI आपको बेस्ट आउटपुट या बेस्ट रिजल्ट निकाल के दे। अब ये सवाल उठता है कि क्या मशीन लर्निंग, AI, डीप लर्निंग एंड GPT में कोई रिलेशन है? जी हाँ, बहुत गहरा रिलेशन है। आप AI को एक बड़े टूल बॉक्स की तरह समझ लो, एंड इस टूल बॉक्स में एक स्पेशल पावर टूल बॉक्स है जिसे हम मशीन लर्निंग कहेंगे, जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर को न्यू स्किल्स लर्न करना सिखाते हैं।
और इसी टूल बॉक्स में एक फैंसियर पावर टूल बॉक्स है दैट कैन हैंडल मैसी डेटा फाउंड इन रियल लाइफ लाइक इमेजेस टेक्स्ट। इसी को हम डीप लर्निंग कहते हैं। और इसी टूल बॉक्स में एक और सुपर स्पेशलाइज्ड टूल है जो कि मास्टर है नेचुरल लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज बोले तो ह्यूमन लैंग्वेज, और यही है GPT, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और इसी पे बेस्ड है ChatGPT जो लॉन्च किया था OpenAI ने। और ये सारी बातें हम इस वेन डायग्राम में कंक्लूड कर सकते हैं। AI के अंडर ही मशीन लर्निंग आती है, मशीन लर्निंग के अंडर ही डीप लर्निंग, एंड देन वी हैव GPT। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, वैसे तो काफी सालों से AI हमारे बीच में है, जैसे आपने गूगल ट्रांसलेट यूज किया होगा, एप्पल का सिरी, अमेजोन का एलेक्सा, कितने सालों से हम यूज करते आ रहे हैं, ये सभी AI बेस्ड हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट 1-2 साल से AI की बात कुछ ज्यादा ही हो रही है। आम लोगों ने AI को तब नोटिस किया जब ChatGPT लॉन्च हुआ 30th November 2022 को, और ये तारीख AI के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में कभी नहीं हुआ वो ChatGPT के लॉन्च ने कर दिया। केवल 5 दिन में 1 मिलियन यूजर थे ChatGPT के, और केवल 2 महीने लगे 100 मिलियन यूजर पहुंचने में। सो AI को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, आप कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं और आउटपुट में आपको टेक्स्ट में आउटपुट मिलता है। और जो AI इसके ऊपर बेस्ड है वो है ChatGPT, Gemini, Claude, कृत्रिम एंड माइक्रोसॉफ्ट Copilot, और भी हैं बट ये ज़्यादा फेमस है। और ये सारे AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करते हैं, एंड इन सभी AI के थ्रू आप काफ़ी कामों में हेल्प ले सकते हो। जैसे कोडिंग करते वक्त आप कहीं फंस गए तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ChatGPT और Gemini। राइटिंग लेंथी कॉन्टेंट। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेक्स्ट टू इमेज, इसके एग्जांपल्स हैं Midjourney, DALL-E 2, स्टेबल डिफ्यूजन। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप एक प्रॉम्प्ट दोगे और उसके आउटपुट में आपको एक इमेज क्रिएट होके मिलेगी। एंड इन AI का फोकस ही होता है आर्टिस्टिक इमेज क्रिएट करना। अच्छी इमेज क्रिएट करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट अच्छा देना पड़ेगा, इसका डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेक्स्ट टू वीडियो, जिसका एग्जाम्पल है सोरा। सोरा अभी पब्लिक के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, बट सोरा के हेल्प से आप अमेजिंग वीडियो क्रिएट कर सकते हो बाय जस्ट सिंपली गिविंग अ प्रॉम्प्ट। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। AI का इम्पैक्ट भी 2 तरीके से हो सकता है, एक अच्छा और एक बुरा। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। Google DeepMind के CEO, उनका मानना है first solve AI and then use AI to solve everything else. पहले AI को solve कर लो, उसकी help से बाकी चीजों को solve करो। AI in healthcare, क्या AI एक बीमारी का डायग्नोस एक डॉक्टर से बेहतर कर सकता है? Actually ऐसा हो रहा है। आज की डेट में स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे खतरनाक डिजीज को डायग्नोस AI कर पा रहा है। सबसे बेस्ट सेक्टर जहाँ पे AI का यूज किया जा सकता है वो है एजुकेशन सेक्टर। टीचर्स AI की हेल्प से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से असाइनमेंट जनरेट कर सकते हैं बाय सिंपली गिविंग अ प्रॉम्प्ट। आज बहुत से स्टूडेंट्स अपने डाउट टीचर से नहीं पूछ पाते क्योंकि उनको लगता है यार ये बहुत ही बेवकूफ़ वाला सवाल होगा। लेकिन अब इन AI टूल्स की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कितनी बार भी पूछ सकते हो। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट वॉच, ये सभी AI बेस्ड है। इनके अलावा और भी फील्ड हैं जहाँ पे AI का यूज, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक और डिफेंस सेक्टर में AI का भरपूर यूज हो रहा है। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, बट इतिहास हमें सिखाता है इंसानों ने टेक्नोलॉजी का यूज पॉजिटिव वे में भी किया है और नेगेटिव वे में भी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि AI बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो AI का यूज नेगेटिव वे में करेंगे। जैसे हैकर्स AI का यूज करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं, कुछ लोग AI का यूज करके फेक वीडियो बना रहे हैं, फेक इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं एंड सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं। इन वीडियो को देखिए दोस्तों। Hey mom, hey dad, it's me, Ella. Well, a digital version of me. And for me,
Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. And ye kuch photos bhi dekhiye. देखा आपने एआई कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है? ये तो केवल शुरुआत है, आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन सेक्टर पर होने वाला है, बट ये इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। मान के चलिए एक स्टूडेंट को कुछ असाइनमेंट कम्प्लीट करने हैं जो स्कूल की तरफ से उसको दिए गए हैं। वो बच्चा इजीली चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई टूल की हेल्प से मिनटों में असाइनमेंट कम्प्लीट कर सकता है। बट क्या ऐसा करने से स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिला? नहीं। क्या उसकी नॉलेज इम्प्रूव हुई? नहीं। सोचो अगर सभी स्टूडेंट्स ऐसा करने लग गए तो एजुकेशन सिस्टम की तो वाट लग जाएगी। इसीलिए कुछ कंट्रीज ने चैट जीपीटी जैसे टूल्स को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। बहुत बड़ा डाउट है आज के लोगों में कि क्या फ्यूचर में एआई उनकी जॉब खा जाएगा। देखो फ्यूचर में क्या होगा कोई प्रिसाइसली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट इतना तो श्योरिटी से कहा जा सकता है कि एआई विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन फ्यूचर। सो एआई आपकी जॉब खाएगा कि नहीं खाएगा वो तो नहीं मालूम, बट जिसको एआई यूज करना आता है वो जरूर खा जाएगा। क्या बात कर रहे रे बाबा? सही बात कर रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन विद दिस एग्जाम्पल। सपोज आपको एक कुर्सी बनानी है तो क्या ये पड़े हुए टूल खुद से चेयर बना देंगे? नहीं ना। लेकिन जिस आदमी को ये टूल्स का यूज करके चेयर बनानी आती है वो जरूर बना देगा। एआई यही टूल्स हैं, जिसको एआई का यूज करना आता है वो नए प्रोडक्ट्स जरूर बना देगा। और यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि कितने अच्छे से आपको एआई यूज करना आता है। देखो जब 1977 में पहली बार पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च हुए थे तब कहते थे कि कंप्यूटर आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसको कंप्यूटर चलाना आता है वो ज़रूर रिप्लेस कर देगा। लेकिन आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल कंप्यूटर चला लेते हैं, बट मुद्दे की बात ये नहीं है कितने लोग कंप्यूटर चला लेते हैं, बात ये है कि कितने अच्छे से आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है। सो एआई को जिसने अच्छे से यूज़ करना सीख लिया वही मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। आज भारत और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े मोड़ पे खड़ी है। इस मोड़ के बाद जो नियम आज तक बने हैं वो सब बदल जाएंगे। देखिए इतिहास हमें बताता है कि तीन बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं और हर रेवोल्यूशन के बाद चीज़ें बदली हैं। IR 1.0 स्टार्ट हुआ था अराउंड मिड 18th century में। इस एरा में जो की टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई वो थी मैकेनाइजेशन एंड पावर्ड फैक्ट्रीज। जो काम पहले ह्यूमन पावर से होते थे वो अब मशीन पावर से होने लगे। लोकोमोटिव्स भी इसी एरा में डेवलप हुए। जिस कंट्री ने इस रेवोल्यूशन को लीड किया था वो थी ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि मैक्सिमम इनोवेशन यहीं पे हुए थे एंड इसी रीजन की वजह से अंग्रेज़ों का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था। एंड ये रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ अराउंड मिड 19th century। उसके बाद शुरुआत होती है IR 2.0 अराउंड लेट 19th century। इस दौर में इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हुई, असेंबली लाइंस, स्टैंडर्डाइज पार्ट्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इसी दौर में शुरू हुए और इन्हीं कारणों की वजह से चीज़ों का उत्पादन करना सस्ता हुआ। एंड IR 2.0 को लीड किया कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड जर्मनी। ये रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ अराउंड 20th century और ये टाइम था जब अमेरिका पावरफुल कंट्रीज बनने के दिशा में बढ़ रहा था। उसके बाद शुरुआत होती है IR 3.0 अराउंड मिड 20th century। इस एरा में जो की टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई वो थी डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग भी इसी दौर में शुरू हुई। IR 3.0 को लीड किया कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान एंड साउथ कोरिया। आपने एक बात नोटिस की होगी कि IR 2.0 एंड IR 3.0 अमेरिका ने लीड किया था एंड इसी रीजन की वजह से अमेरिका का दबदबा पूरी दुनिया में चलता है।
अब जो टाइम चल रहा है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, और अब जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं वो अकल्पनीय है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, एडवांस मटेरियल्स, इन सभी चीज़ों पे काम चल रहा है। अभी जो AI को लीड करती हुई कंट्रीज नज़र आ रही हैं वो है अमेरिका, चाइना, जर्मनी एंड इंडिया। हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा कि हम पहले तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर गए, बट अब एक और सुनहरा मौका आया है टू बिकम द लीडर इन AI। भारत 1000 साल की गुलामी रहने वाले 1000 साल के भव्य पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं, और ये बात मान के चले हम जो भी कदम उठाएंगे वो 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। और मैं भी यही कहूंगा कि सही समय है, यही समय है। अगर इंडिया को टॉप 3 वर्ल्ड इकोनॉमी में आना है तो हमें AI पे पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, और ये सब आप जैसे यूथ पे डिपेंड करता है, आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे लेते हो। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। जय हिंद।